हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले वाले वीडियो में काफ़ी लोगों ने कमेंट किए थे, उनका मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन यही था कि आप मेडिकल से रिलेटेड कैसे करवाया जाता है, क्या क्या टेस्ट होता है, वो सारा डिटेल्स बताइए। तो आज हम सारा आप मेडिकल से रिलेटेड ही बताएंगे और हमारे साथ कैसा मेडिकल हुआ था वो सारा हम एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बताते हैं आपको कि स्टार्ट कैसे होता है प्रोसेस। जैसे आप डिवीज़न में रिपोर्ट करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपका एनकी से एक मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आपको एक लेटर बना के इन्वेलप में क्लोज करके देगा। वहाँ बोला जाएगा आपको कि डिवीज़न में क्या होता है, एक बगल में मतलब डिवीज़न में मतलब एक डिवीज़न तो अलग होता है लेकिन डिवीज़न में माने वही सिटी में कहीं ना कहीं एक डिवीज़न का मेडिकल हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर बोला जाएगा आप जाके मतलब वहाँ पर सारा अपना मेडिकली फिट करवा के आइए। तो डिवीज़न में होता है चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट बैठते हैं, वहाँ पे काफ़ी जैसे बड़ा मेडिकल हॉस्पिटल होता है रेलवे का, वहाँ पे आप जाएंगे फिर वहाँ पे क्या है, आपको कोई डॉक्टर नोट कर दिया जाएगा, इस डॉक्टर के पास आप दिखा लीजिए। तो फिर वो डॉक्टर फिर आपको लिख के देंगे सारा चीज़, मतलब कि सारा मतलब डिवीज़न हॉस्पिटल में ही रहता है, मतलब टेस्ट जो होता है तो अलग अलग मतलब डिपार्टमेंट रहता है उसी में। तो कहीं पर आपका यूरिन टेस्ट होगा, कहीं ब्लड टेस्ट होगा, कहीं ईसीजी टेस्ट होगा, कहीं इनकी से आपका अल्ट्रासाउंड का स्कैन होगा, उसके बाद इनकी से कहीं पर आई टेस्ट होगा। तो वो जो डॉक्टर होंगे आपके पास, तो वो डॉक्टर के पास आप जाएंगे, तो जैसे ही जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, वो आपसे मतलब कि ब्लड प्रेशर चेक करेंगे डॉक्टर साहब, उसके बाद आपका ये करेंगे चेक मतलब नियर विजन के लिए क्या है ना, ए फोर साइज उनके पास एक नोट रहता है, उसमें इनकी बड़ा लेटर से लेकर छोटा लेटर तक लिखा रहता है, वो अलग अलग रह सकता है, कोई नागपुर रहता है लिखा, कोई इनकी से आपको बंगलोर लिखा रहेगा, तो जो भी लिखा रहेगा आपको बड़ा से छोटा लिखा रहता है, आपको बोलेगा पढ़ने के लिए। जैसे आपको चेयर पर बैठे आप बैठे रहेंगे, डॉक्टर साहब भी बैठे रहेंगे, थोड़ा मानिए कि 60-70 सेंटीमीटर नीचे रहता है जैसे आपको लेटर रखा हुआ है। अब आप भी जानते हैं कि आपका टेबल पर मतलब ये चार्ट रखा रहेगा, आपका डिस्टेंस जो होगा इनकी आप मतलब चेयर पर बैठे रहेंगे तो कितना हाइट हो सकता है, तो उतना पे आपको पढ़ के बताना है, वो बताते जाएगी मतलब या बताते जाता है कि इनकी ये बताओ ऐसे करके। तो जब वो आपका प्रोसेस नियर विजन के लिए हो जाएगा टेस्ट, तो उसके बाद वो डॉक्टर साहब आपको इनके डिस्टेंट विजन के लिए अलग इनकी से रूम रहता है हॉस्पिटल में आपको, जहाँ पे आई टेस्ट होता है तो वहाँ पे फिर ले जाएंगे, तो डॉक्टर साहब भी रहेंगे और कंपाउंडर भी रहेंगे। तो क्या होता है इनकी से लेटर जो होता है वो चार्ट जो होता है वो ढका हुआ रहता है, तो फिर हमारे साथ जैसा हुआ था जो टेस्ट हुआ था तो वो हम बता रहे हैं आपको। तो हमसे सी चार्ट भरवाया गया था, तो सी में क्या होता था, बड़ा लेटर से छोटा लेटर तक वो लिखा हुआ था, तो वो कवर रहता था लेटर, वो तुरंत इनकी से ऊपर से मतलब क्या बोलते हैं मतलब कवर लेटर जैसे सी है, तो सी का मतलब एक कवर ऊपर में लगा हुआ है, उसको हटाता था, फिर उसको बोलता था कि ये आप बताइए कि इनकी से इसका माउथ जो है सी का किधर ओपन है, लेफ्ट है कि राइट है कि टॉप है या बॉटम है, जैसे बताना है आपको हिंदी या इंग्लिश जो भी है वो मतलब बताना था। तो बड़ा से वो उन्होंने शुरू किया और फिर नीचा तक आया था, मतलब कि इसे 6x6 तक उन्होंने पूछे थे हमसे। और उसके बाद क्या हुआ, ये सारा चीज़ होने के बाद जैसे कि अगर आप मतलब कि सारा मेडिकली फिट हो गए, जैसे ईसीजी मतलब कि उसके बाद, हाँ उसके बाद कलर विजन के लिए भी आपको इनकी डॉक्टर साहब जो हैं आपको उनके पास बुक होता है, एक मतलब इशारा टेस्ट बोलते हैं वो बुक रहता है, आपको इनकी से स्टेप बाय स्टेप सारा वो जो 32 पेज होता है शायद वो सारा आपको पढ़वाएंगे, फर्स्ट पेज से लेकर और लास्ट पेज तक, वो कंपाउंडर होता है वो पलटाते जाती है, डॉक्टर साहब रीड देखते रहते हैं कि वो सही पढ़ रहा है कि नहीं, तो वो आपको कलर विजन के लिए करवाएंगे। अगर मानिए कि अगर ये सारा चीज़ में अगर आप इनकी से पास कर गए, तो पास कर गए तो बाद में क्या होता है, किसी डॉक्टर साहब का रिमार्क्स होता है वो लेटर पे, मतलब जो मतलब वो डिवीज़न जो भेजा था डिवीज़न हॉस्पिटल में, कि इनकी से ये जो लड़का है वो मेडिकली फिट हो चुका है, अपना जो भी रिमार्क्स होता है। और दूसरा ये भी टेस्ट होता है कि आपका मतलब कि ये लेजर वगैरह भी देखता है आई में, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि लेजर लगा के चले जाएंगे, तो भूल से भी ऐसा गलती मत कीजिएगा कि लेजर वगैरह आँख में लगा के मतलब हॉस्पिटल जाइएगा, मतलब जब आपके मेडिकल होगा रेलवे में वो सब कभी कुछ मत कीजिएगा। दूसरा कान वगैरह भी चेक करता है, कान वगैरह को भी मतलब टॉर्च जला के वो डॉक्टर साहब जो हैं वो चेक करते हैं। तो हम लोग के साथ भी ऐसा ही सारा चीज़ गुजरा था और सारा हुआ था। आप ये रखिए याद कि इनकी से ELP का जो मेडिकल होता है थोड़ा टफ इसलिए होता है कि उसका मेडिकल का जो कैटेगरी होता है A1 होता है, तो A1 क्या होता है, A1 में आपको थोड़ा काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है कि आपको, क्योंकि सिग्नल से रिलेटेड चीज़ होता है, आप मतलब जैसे कैसा भी मौसम हो लेकिन अगर आप सिग्नल नहीं देख पाएंगे तो गाड़ी कैसे चला पाएंगे, क्योंकि गाड़ी तो सिग्नल पर ही चलता है, तो इसीलिए क्या है लोको पायलट का थोड़ा इनकी से मेडिकल
स्टैंडर्ड जो है काफ़ी हार्ड होता है। अगर आप पूरे अगर सही हैं, मतलब आँख अगर आपका सही है, तो कोई फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप स्पेक्टिकल्स अगर नहीं लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर लगाते हैं तो अब आपको मतलब कि उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब क्योंकि 6/6 चाहिए आँख, मतलब ELP में। लेकिन आप JEE का मेडिकल के बारे में बोलेंगे तो JEE के मेडिकल में मतलब A3 मेडिकल से ये स्टार्ट ही होता है, तो उसमें क्या होता है -2 डायोप्टर, अगर -2 पावर भी है आपका आँख का तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि -2 तक चलता है A3 में भी। और A3 से नीचे आइए B1 B3, तब तो इनकी माने कि माइनस ज़्यादा ही होगा, -2.5 -4। तो मतलब टेक्निकल में जो है मतलब A3 मेडिकल स्टैंडर्ड जो होता है -2 डायोप्टर तक चलता है, अगर -2 पावर का अगर आपका पास स्पेक्टिकल्स है तो भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए A3 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए। और इसी प्रकार हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और भी कुछ क्वारी है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।